प्रदेश में बढ़ते नक्सली घटनाओं पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चाहे नक्सली वारदात हो या अन्य घटनाएं हो, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बेलगाम हो चुकी है। नक्सली वारदात बढ़ी है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं। लगातार गांव से लेकर शहर तक अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर भी दीपक बैज ने बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम लोगों ने शुरू से कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में घटनाएं, चाहे नक्सली वारदात हो या अन्य घटनाएं हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बेलगाम हो चुकी है। नक्सली वारदात बढ़ी है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं और लगातार गांव से लेकर शहर तक अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं। इन्होंने इस 2 महीने में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधियों पे डर और भय और कोप बिल्कुल इस सरकार से नहीं है।